क्या हुआ अप्पा? हाँ हुमा, आप सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? हमारे राज्य की सीमा पर आर्य आक्रमण करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं और महारानी पति अरवामुदिन ने युद्ध की घोषणा की है। बहुत सही किया आप पाप ने, हमें उन आर्यों को परास्त करके उन्हें। तुम यहाँ किस लिए आई हो? हाँ हुमा, मुझे एक सपना आया कि मुझे इस युद्ध में भाग लेना है। हाहुमा, देवसेना, ये कोई प्रतियोगिता नहीं कि तुम भाग लेना चाहती हो। देवसेना, तुमने दीक्षा ली है शस्त्र ना छूने की, किंतु ये युद्ध है हाहुमा। मैं द्रविड़ राजकुमारी हूँ, मेरा लड़ना तो। देवसेना, तुमने जो दीक्षा ली है उससे डगमगाओ नहीं, यही परखना चाहती है महिष्यम। परंतु हाहुमा, आज तक हर छोटी बड़ी लड़ाई में मैं अप्पा के साथ रही हूँ। छोटी थी तो अप्पा के पीछे बंधी, एवं बड़ी हुई तो उनके पीछे बैठी हाथी पर सवार मैं अप्पा की शुभांकर रही हूँ। अप्पा कोई युद्ध नहीं हारे हैं। तुम क्या ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे अप्पा अपने साहस और कुशलता के बल से युद्ध नहीं जीते? नहीं हाहुमा, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, ये अप्पा भी जानते हैं। देवसेना, जिसकी तुम्हें कामना है वो संभव नहीं, उसकी मैं कदापि आज्ञा नहीं दे सकती। ऐसा मत कीजिए हाहुमा। देवसेना, इस दीक्षा को तोड़कर तुम स्वयं को नहीं पूरे द्रविड़ राज्य के भविष्य को हानि पहुंचाओगी। इस वक्त तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम इस दीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करो। और रही बात तुम्हारे अप्पा की चिंता की, तो जाओ महिषी मंदिर जाकर उनके सुरक्षित लौटाने की पूजा करो, निश्चित ही सकुशल लौट आएंगे। ठीक है हाहुमा, जैसा आपका आदेश। कभी कभी शत्रु को शस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं होती, बिना शस्त्र धारण किए वो तुमसे सब कुछ छीन सकता है। परंतु आप शत्रु नहीं। शत्रु के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो शत्रु है। तुम बिना देखे परखे खा लोगी इसे? आहार है, प्रतिदिन लेती हूँ। और ये तुम्हारे लिए स्वाभाविक है ना? ये क्या है? विष भी हो सकता है। शक्ति और सत्ता जिसकी धरोहर हो उसे स्वाभाविक जीवन में भी सतर्क रहना पड़ता है। अचानक आप ये क्या एवं क्यों कह रहे हैं अप्पा? क्या करूं बेटी, मैं तो तुम्हारा अप्पा भी हूं और अम्मा भी। तुम द्रविड़ राज्य की भावी रानी हो, मैं तुम्हें यह सीख नहीं दूंगा तो कौन देगा? जो शत्रु दिखता है उससे लड़ पाने की निपुणता है तुम में, किंतु संकट तो शत्रु से है जो आंखों से उछल है। जीवन का यथार्थ यही है कि वो क्रूर है, दैवत्य सर्वव्यापी है, किंतु दुष्टता विश्वव्यापी है। तुम जिस सिंहासन पर बैठने वाली हो वो छल और कपट से घिरा हुआ है। सिंधु नदी के उस पार से आए हुए आर्य आक्रमणकारी हैं, किंतु ये लोग जो तुम्हारे निकट तुम्हारे अपने होने का मुखौटा पहने हुए हैं वो विनाशकारी हैं। एक विशाल वृक्ष को आंधी नहीं उसके अंदर पल रहे दीमक नष्ट कर देते हैं।
बेटी तुम्हें इसी दीमक को पहचानना है, इससे बचना है। आप ये मुझे अभी क्यों बता रहे हो? आप है ना, मैं सीख लूंगी उन लोगों को पहचानना। मैं तो हूं देवसेना, किंतु याद रखना, एकमात्र व्यक्ति जिसका तुम भरोसा कर सकती हो, एकमात्र व्यक्ति जिसका कहा तुम्हें मानना है, वो है हाउमा। केवल हाउमा ही तुम्हारी शुभ लाभ की सुरक्षा कर सकती है और कोई नहीं। हमारी और उन द्रविड़ों की कोई बराबरी नहीं। कहने को तो वो एक मात्रिक सभ्यता के पालक है, लेकिन क्रूरता उनकी पर्यायवाची है। युद्ध में उनसे किसी भी प्रकार की शिष्टाचार या फिर नियमों की पालन की उम्मीद करना हमारी मूर्खता होगी। तो आप कहना क्या चाहते हैं आर्य? यही, जिस तरह एक हीरे को तराशने के लिए हीरे की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही एक कांटे को निकालने के लिए कांटा ही काम आता है, वैसे ही अगर हमें उनसे युद्ध करना है तो हमें उन जैसा बनकर ही युद्ध करना होगा। तो मतलब हम आर्य द्रविड़ बन जाएं? मैं मजाक नहीं कर रहा वरुण देव, वो लोग हमारे तरह सामने से वार नहीं करते, बल्कि छिप कर वार करना जानते। युद्ध में वो कुशलता या अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं, बल्कि छल कपट का प्रयोग करते हैं। वो मैं जानता हूं आर्य, दुश्मन सैनिक बंदियों के साथ जानवरों सा सलूक करते हैं, जैसा उन्होंने बाबा के साथ किया था। अगर हम परंपरागत तरीके से उनसे युद्ध करेंगे तो तलवार उठाने से पहले ही मारे जाएंगे। तो परंपरा छोड़ दें, अपने मूल्यों का त्याग कर दें और उनसे उन्हीं की तरह लड़ें। हां, लेकिन आर्यवीर, हमारा आर्य धर्म ही हमारी पहचान, हमारी नैतिकता हमें विश्व की सबसे शुद्ध जाति का स्थान प्रदान करती है। हम इंद्र और अग्नि की शुद्धता का प्रतीक है, हमारा धर्म सर्वमान। और अगर यही छोड़ दिया तो हम आर्य कैसे कहलाएंगे? हम भी अनार्य हुए ना। कथाते अग्निये सुचियंतः आयोर्दधा सुर्वे जेविराज सुषाणाम अभय रस्तो के तन्य ददान ऋतस्य समतन यंत्र देवाम। प्रारब्ध नहीं तो क्या है? कि हमारा जन्म एक ऐसी जाति में हुआ जहां जननी को सर्वोत्तम माना जाता है, जहां स्त्री की सेवा पुण्य योग समान है। मेरे आर्य वीरों, आज हम रणभूमि में उतरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जीत की लालसा लेकर, शहादत की नहीं। शहादत के लायक हुए तो शहादत मिलेगी, लेकिन हमें पानी है जीत, और उसी ख्याल से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मन में जैसा ख्याल होगा वैसा ही इस युद्ध का परिणाम होगा। मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो महिषी, अम्मन, आहुमा, मुझे जन्म देने वाली मेरी मां, मेरी पत्नी महारानी चामुंडी की कृपा से पाया है। ये मेरे कर्म फल है कि मुझे पुत्री प्राप्त हुई। द्रविड़ो,
ये युद्ध एक शुभ अवसर है अपनी मां अपनी पत्नी को गौरवान्वित करने का। ये लड़ाई उस आर्यवर्त के लिए जिसका सपना हमें विरासत में मिला, लेकिन क्या हम अपने आने वाली संतानों को भी एक सपना देना चाहेंगे? नहीं। तो फिर प्रण करो कि हम उन्हें हकीकत में आर्यवर्त देंगे। हम सब युद्ध लड़ने जा रहे हैं, हम एक मात्रिक सभ्यता के वंशज हैं। हम नया जीवन तो जन्म देना जानते हैं, परंतु न जीवन दान देना जानते हैं और न जीवन दान लेना जानते हैं। युद्ध में हम शत्रु की मृत्यु का कारक बनना जानते हैं या शत्रु के हाथों मृत्यु स्वीकारना जानते हैं। यही महिमाशाली द्रविड़ की पहचान है। परंतु यह ज्ञात रहे कि शत्रु की करुणा दया और सहानुभूति का पात्र बनने से पहले आत्महत्या स्वीकृति एक द्रविड़ का कर्तव्य है। द्रविड़ राज्य में दया और भीख में कोई अंतर नहीं है। द्रविड़ राज्य में इन दोनों का एक ही स्थान है और द्रविड़ राज्य में इन दोनों का दंड भी एक है, मृत्यु दंड। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। तो शत्रु पर विजय हो तुम्हारी। महिषी अम्मन तुम्हें महिमा मंडित करे। विजयी वंदे द्रविड़ सिद्धि। विजयी वंदे द्रविड़ सिद्धि। विजय वंदे द्रविड़ सिद्धि। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।